क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो थोड़ा सा अगर आप फील करेंगे बच्चों तो ये आपकी देखिए नंबर लाइन है इस तरीके से, करेक्ट। यहाँ कहीं जीरो आता है, फिर वन आता है, फिर टू आता है, फिर थ्री आता है, फिर फोर आता है, -1 -2 -3 है ना इस तरीके से, -4 ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने भी नंबर दिए हैं सारे के सारे नेगेटिव है, -2/11 सारे नेगेटिव है, -5/11 -9/11 बच्चों ठीक है सारे के सारे क्या है नेगेटिव है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये आएंगे जीरो के लेफ्ट में, कहाँ आएंगे जीरो के लेफ्ट में। अब ध्यान से सुनो बच्चों, जीरो और वन के बीच का डिस्टेंस यूनिटी डिस्टेंस, वन और टू के बीच का डिस्टेंस यूनिटी डिस्टेंस, यानी कि टू इंटीजर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो यूनिटी डिस्टेंस होता है। जैसे कि जीरो और माइनस वन के बीच का डिस्टेंस यूनिटी डिस्टेंस क्या होता है, यूनिटी डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि वन यूनिट डिस्टेंस, ठीक है ना। अब सुनो हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों इतने पोर्शन को आपको जूम करके नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं, इतने पोर्शन को माइनस वन जीरो और वन को, ओके। तो ये देखिए इस तरीके से, हालांकि आप खुद भी ट्राई कर सकते हो बच्चों, लाइन अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखिए यस यहाँ कहीं क्या आ रहा है, जीरो है ठीक, और जीरो के राइट में क्या है वन है ठीक, कुछ नहीं किया, ये पोर्शन ऐसे जूम कर दिया, जीरो वन का जो डिस्टेंस है यूनिटी डिस्टेंस, इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं ठीक। इसी तरीके से जीरो से वन के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही आपको जीरो से कहाँ लेना है, माइनस वन के बीच में, ओके स्टूडेंट्स। तो थोड़ा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, अंदाजा लगा लो, मैं थोड़ा दूर से देखूँ, हाँ लगभग इक्वल तो लग रहा है। तो ये हो गया माइनस वन, यानी कि ये वाला पॉइंट है क्या माइनस वन, ये वाला पॉइंट क्या है जीरो, ये वाला पॉइंट क्या है वन है, ओके स्टूडेंट्स ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी कुछ दिया होता है ना, हम कितना दिया 11, यानी कि यूनिटी डिस्टेंस को, यूनिटी डिस्टेंस क्या होता है, टू इंटीजर के बीच का डिस्टेंस यूनिटी डिस्टेंस होता है। जैसे कि जीरो और वन के बीच का ये पूरा डिस्टेंस यूनिटी डिस्टेंस है, जीरो माइनस वन के बीच का डिस्टेंस यूनिटी डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम यूनिटी डिस्टेंस को टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टोटल 11, मतलब जो डिनोमिनेटर में दिया होता है टोटल उतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ध्यान सुनो, हमें यहां वन लेने की जरूरत नहीं थी बट हमने ऐसे ले लिया, अब ले लिया तो क्या प्रॉब्लम है ठीक है। तो आप क्या करो, आप ये जीरो और माइनस वन के बीच में बच्चों जो यूनिटी डिस्टेंस है इसको टोटल 11 इक्वल पार्ट्स में करोगे, कितने 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। अब सुनो, जब हमें यूनिटी डिस्टेंस को 11 इक्वल पार्ट्स में करना है तो हमें कितने डॉट लगाने हैं, 11 से 1 कम लगा दीजिए, 11 से 1 कम, यानी कि 10, जितना नंबर दिया था उससे कम ले लो आप। तो टोटल 11 माइनस 1 यानी कि 10 डॉट्स लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट भी लगाएंगे, भी दिखाएंगे ठीक है। सो 1 ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 देखो नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है ना। सो आपको ना थोड़ा अंदाजा बच्चों रखना है ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ अब आ गया, मान लो यहाँ पे माइनस वन है और ये हो गया 9 के बाद 10। अब आप चेक कर लो, 0 और माइनस वन के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस, मतलब टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वाला पॉइंट क्या है माइनस वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट ठीक। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड भी टोटल 10 डॉट लगा दोगे तो 11 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे ठीक। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ठीक है। तो 1 को यहाँ आना चाहिए इस हिसाब से ठीक, चेक कर लो 0 के राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट्स हो गए, इक्वल होने चाहिए थोड़े से ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब आप देखो -2/11 यानी कि 0 के लेफ्ट में आएगा तो कैसा आएगा, सुनो 0 वाला पॉइंट पता है किसको दिखा रहा है, 0/11 को। आप बस 0 से माइनस वन तक देखिए, टोटल 11 पार्ट्स हैं तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट 8 पार्ट 9 पार्ट 10 पार्ट 11 पार्ट। तो जब हम 0 पे हैं तो हमने 11 में से कितने पार्ट लिए, 0, यानी कोई पार्ट नहीं लिया। जब यहाँ पे आओगे तो चेक करो ये टोटल 11 है और आपने 11 में से ओनली 1 पार्ट लिया है, तब आप यहां पे पहुंचे हो, यानी कि आएगा 1/11। लेकिन बच्चों क्योंकि ये 0 के लेफ्ट में है इसलिए क्या आएगा यहां पर माइनस, ये आएगा आपका इसी तरीके से -2/11 क्योंकि आपने 11 में से टोटल 2 पार्ट्स ले लिए। ये वाला पॉइंट आएगा -3/11, ये वाला पॉइंट आएगा
4 बाय 11, ये वाला पॉइंट आएगा माइनस 5 बाय 11, ये वाला पॉइंट आएगा माइनस 6 बाय 11, ये वाला पॉइंट आएगा माइनस 7 बाय 11, ये वाला पॉइंट आएगा माइनस 8 बाय 11, ये वाला पॉइंट होगा माइनस 9 बाय 11, ये वाला पॉइंट होगा माइनस 10 बाय 11 और लास्ट वाला पॉइंट होगा माइनस 11 बाय 11। अब एक बात बताना चाहता हूँ, 0 बाय 11 का मतलब 0 ही होता है भाई, 0 पॉइंट समथिंग 0, ठीक। इसी तरीके से माइनस 11 बाय माइनस 11, माइनस 11 बाय 11, माइनस 11 बाय 11 का मतलब क्या होता है, ये माइनस तो ऐसे रहेगा, 11 बंदा 11, 11 बंदा 11, 1 बाय 1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो माइनस 11 बाय 11 1 को, माइनस 1 को ही दिखा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको क्या क्या दिखाना था, माइनस 2 बाय 11 ये रहा लोकेशन माइनस 2 बाय 11 का, माइनस 5 बाय 11 ये रहा लोकेशन, ठीक, माइनस 9 बाय 11 ये रहा लोकेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जो जो नंबर आपको दिखाने थे बच्चों, करेक्ट, वो नंबर आप दिखा दीजिए, बाकी सबको इरेज कर दीजिए, करेक्ट। तो सबसे पहला दिखाना था माइनस 2 बाय 11, तो इसके पहले के सारे नंबर आप हटा दीजिए, ठीक। उसके बाद माइनस 5 बाय 11, तो हमें ये सब हटाना पड़ेगा, ठीक, माइनस 5 बाय 11, फिर माइनस 9 बाय 11, मतलब ये सारे के सारे इरेज कर दो, है ना। सो इस तरीके से नाउ अब आप चेक कर लीजिए बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला है ना, किसको दिखा रहा है, माइनस 2 बाय 11 को, ये दिखा रहा है माइनस 5 बाय 11 को, और ये वाला जो पॉइंट दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है, माइनस 9 बाय 11 को। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अब सुनो, अगर यही सारे नंबर कैसे होते, पॉजिटिव होते, तो ये हम कहाँ रखते, राइट हैंड साइड में। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लो उसने बोला था क्या कि दिखाओ आप 2 बाय 11 को, तो देखो ये क्या है, ये 0 बाय 11 है ना, तो यहाँ पे राइट में चलते तो ये 1 बाय 11 आता, फिर ये 2 बाय 11 आता, प्लस का आ रहा है ना, प्लस 2 बाय 11, ये 3 बाय 11, ये 4 बाय 11, ये 5 बाय 11, ठीक, इस तरीके से 6 बाय, 7 बाय, 8 बाय, 9 बाय, 10 बाय 11, और ये 11 बाय 11 का मतलब 1। आई थिंक आपको सब बात समझ में आ गई, जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, अगर ये लोग पॉजिटिव पूछते तब हम क्या करते, यही रीज़न है कि मैंने 0 और 1 को भी टोटल 11 पार्ट्स में डिवाइड करके रख लिया था, ताकि मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बहरहाल आपको इस तरीके से आंसर एग्जाम में देना है, उधर का भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उतने डॉट्स लगा के दिखा दो। सो प्लीज़ नोट कर लीजिए।